हेलो एवरीवन, मैं सरिता, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो न्यू रेसिपी हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम केले से कबाब बनाएंगे जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए और हम देखते हैं कि केले से कबाब कैसे बनाए जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने केले ले लिए हैं, 6 केले हैं, कच्चे केले मैंने लिए हैं और इनको मैं छील लूँगी और टुकड़े कट कर लूँगी अभी। और दूसरी चीज़ ली है मैंने चने की दाल, 1 कटोरी चने की दाल ली थी और जिसको मैंने भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुकी है। अब इसको कई पानी में वॉश कर लेंगे दाल को। ये देखिए, मैंने ऐसे टुकड़े कट कर लिए हैं, ज़्यादा मोटा छिक्कल मैंने नहीं छीला है, पतला ही पतला। ये देखिए, ऐसा छिक्कल मैंने छीला है। अब हम इसको धुल देंगे। मैंने केलों को भी धुल लिया है और इधर दाल भी 2-3 पानी में धुल ली है। अब इनको कुकर में चढ़ाएंगे। ये मैंने दाल और केले कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 1 गिलास मैंने पानी डाला है, आधा ग्लास मैं और डाल दूंगी, बस 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। और अब हम लेंगे ये गरम मसाले, खड़े वाले, दालचीनी, इलायची, जीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। जो भी आपके मसाले आपके पास हों वो ले लीजिए, काली मिर्च, जीरा, ये सब कुछ है। तो इनको भी हम उसी में डाल देंगे। ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम डाल देंगे थोड़ा नमक। अभी हम नमक थोड़ा ही डाल रहे हैं, बाद में जब इस पक जाएगा तब हम इसको फिर चेक करेंगे। और कुकर बंद कर देंगे और इसमें 4-5 सीटियां लगा देंगे। तो जब तक केला और दाल पक रही है दोस्तों, तब तक मैंने ये कट कर लिया है, थोड़ी सी अदरक और खूब छोटे छोटे काट लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्च, प्याज, और आप लहसुन भी ले सकते हैं। लहसुन इस समय हमारे पास नहीं था तो इसलिए नहीं लिया। तो और हरी धनिया मैंने कट कर ली है छोटी छोटी। तो अब आगे हम आपको दिखाएंगे जब पक जाएगा। 5 सीटी आ चुकी हैं, गैस भी निकल चुकी है। अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, दाल हमारी पक चुकी है अच्छे से, और लेकिन थोड़ा सा भी पानी है इसमें, ये देखिए। तो हमें क्या करना है, ढक्कन हटा के तेज आंच पे हम रख देंगे, पानी इसका सुखाना है हमें। ये गैस पे रख दिया है और ये जब पानी सूख जाएगा तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अभी पानी है इसमें तो पानी को हटाना है हमें। ये देखिए, पानी अब नहीं बचा है, ये देख सकते हैं आप लोग, पानी नहीं बचा है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। इस दाल और केले को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। ये ऐसे पूरा हम पेस्ट जो है निकाल लेंगे। तो अब हम इसको पूरी थाली में ऐसे फैला देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अभी बहुत गर्म है, और ठंडा करके इसको हमें मिक्सर जार में डाल के पीसना है। तो देखिए, दाल और केले हमारे ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए हाथ से हम छू रहे हैं। अब इनको हम मिक्सर जार में डालेंगे, मिक्सर जार में डाल के इनको पीस लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा हमने मिक्सी को चलाया है और लेकिन अभी अच्छे से नहीं पिसा है कुछ। देखिए, दाल ये खड़ी खड़ी लग रही है और इधर का पिस गया। तो हम एक बार इसको चला के चम्मच से फिर से इसको पीसेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट को अच्छे से पीस लिया है। 1-2 इसमें ये दाल दिख रही है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट देखिए बनके रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया, और थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले डाला था। और अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ जो मैंने काट के रखा था सारा सामान, प्याज, मिर्च, अदरक और धनिया, इसको भी डाल देंगे इसी में पूरा। और अच्छे से कबाब का टेस्ट अच्छा आने के लिए मैंने घी को गर्म कर लिया है, तो इसको डाल देंगे। घी को लगभग 3 चम्मच है घी, तो इसको मैंने गर्म कर लिया है, इसको डाल देंगे। और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप वो जो डालडा आता है, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। वो भी अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम इसको मिक्स करते हैं। तो अब मैंने सारा पेस्ट ये मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये पेस्ट लेके और इसकी टिक्की हम बना के तैयार करेंगे।
एक हाथ से दोस्तों बन नहीं रहा है, एक हाथ से हम सूट कर रहे हैं, तो इसलिए हम बना के आपको दिखाते हैं टिक्कियां। तो ये देखिए दोस्तों, टिक्कियां हमने तैयार कर ली हैं। अभी मैं इतनी ही टिक्की बना रही हूँ, और इस पेस्ट को आप फ्रिज में रख दीजिए, जब आपको खानी हो तो गर्मा गर्म इनको बना लीजिए और सेंक लीजिए। तो चलिए हम तवे पे इसको सेंकते हैं। तो अब मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है, और इसमें हम तेल डाल देंगे, सरसों का तेल डाल रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, और इसको गर्म होने देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब तवा हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम यही कबाब जो है इस तवे पे ऐसे रख देंगे। ये देखिए, ये तवा बीच में ऊंचा है, तो इसलिए तेल जो है ये किनारे किनारे हो गया है, तो हम किनारे ही कबाब को रख रहे हैं। ये देखिए, और धीमी आंच पे ही इनको हम पकाएंगे, और गैस की फ्लेम जो है वो धीमी कर देंगे, एक तरफ टिकने देंगे, तब इसको हम पलटेंगे। 2-3 मिनट दोस्तों हो चुके हैं, अब हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे पलट के, ऐसे ही सारे कबाब हम पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे कबाब जो हैं पलट दिए हैं। अब हम फिर इनको 2-3 मिनट तक फिर से पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए, 1-2 मिनट और हो चुके हैं, अब हम फिर से इनको ऐसे पलट देंगे, तो ये अच्छे से इधर भी सिक जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे कबाब ये बने हैं, और इनको आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये लच्छा पराठे के साथ या फिर आटे के पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। लच्छे के पराठे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वो मैदे का हम लोग बनाते हैं तो ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाता है। लेकिन आप लोग आटे के पराठे के साथ भी इनको इंजॉय कर सकते हैं। अगर पराठे के साथ नहीं इंजॉय करना चाहते हैं, तो कोई किसी भी चटनी के साथ इनको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। तो अब कबाब हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, केले के कबाब हमारे बनकर रेडी हैं, और देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। ये देख सकते हैं, जैसे दुकान पे मिलते हैं वैसे ही हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप पहली बार अगर देख रहे हैं हमारे चैनल को, और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो हम न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो हमारी शॉर्ट वीडियो में भी खाने की काफ़ी रेसिपी पड़ी हैं, तो हमारे चैनल पर जाके आप शॉर्ट या वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।